तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं शुभम गेमर। तो गाइस आज की वीडियो में आपको एक और प्रो ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो सकता है, वो है क्विक स्कोप किल। जो लोगों को क्विक स्कोप करना नहीं आता या फिर उनके उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आपको पहले बता देता हूं होता क्या है। आपने बहुत से अच्छे प्लेयर्स को देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं एकदम से स्कोप लगाते हैं, एकदम से शॉट लेते हैं और एकदम से वो बंदा नॉक हो जाता है या फिर किल हो जाता है या फिर जैसा भी होता है वो सिचुएशन। गाइस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये स्नाइपर में तो काम करेगा। आप लोग जब AR यूज करते हो, अगर आपके सामने बंदा रहता है, अगर आप ये ट्रिक या फिर जो भी मैं आपको अभी बताऊंगा ये इस्तेमाल करते हो, तो इससे आप लोग का जो भी AR से भी अगर कोई आप क्लोज कॉम्बैक भी करते हो ना, तो इससे बहुत अच्छा से होगा। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा किस तरह होता है। जैसे कि आप लोग देखते हो यहाँ बंदा, मैंने स्कोप ऑन किया और यू से शॉट ले लिया, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेना, स्कोप किया अपने मार दिया। कौन कितना फास्ट है ये भी होता है ना, जब भी हम लोग फाइट करते हैं तो आगे वाला जल्दी मार सकता है या मैं, तो गाइस वही चीज़ को हमें फास्ट करना है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब फास्ट होगा, ठीक है ना। जब भी क्विक स्कोप होता है वो क्या होता है, मेरे को एक बंदा दिख रहा है वहाँ पर स्कोप मैंने किया, एक बार शॉट ले लिया उससे भी पहले, क्योंकि वो भी देख रहा है, वो भी स्कोप इन कर रहा है मुझे मारने के लिए। उससे फास्ट करोगे नहीं तो आप मर जाओगे। तो यही चीज को फास्ट कैसे करना है मैं आपको अब थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है गाइस। आपने एक चीज नोटिस किया, ये सारी चीज में ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारा जो क्रॉस हेयर होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये ज्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सपोज करो ये एक बंदा है, ठीक है ना, ये जो खड़ा है यहाँ पे जिसमें हम लोग एम प्रैक्टिस करते हैं, ये अभी हम लोग का बंदा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सोचो मैं पीछे से आ रहा हूँ दौड़ते दौड़ते, ठीक है। अभी एकदम ओपन फाइट चल रहा है, सोचो मैं पीछे से दौड़ते दौड़ते आया और वहाँ पे लेफ्ट मेरे को बंदा दिख रहा है, पर जो मेरा क्रॉस हेयर है वो अभी भी सीधा पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत बंदे क्या करते हैं वो अपना स्कोप को वहीं पर इन कर लेते हैं जहाँ पर क्रॉस हेयर रहता है जो सीधा पॉइंट कर रहा था, फिर वहाँ से अपना क्रॉस हेयर को स्कोप इन करके वहाँ तक लेके जाते। तो कितना टाइम जाता और यहाँ तक तो बंदा वहाँ का, अगर वो उसको अच्छा से स्कोप इन करना था वो लेके भी ले लेता। अभी हम लोग सोचो ये वाला एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ठीक है। अभी मैं आ रहा दौड़ते दौड़ते, फिर मैंने क्या किया, मेरा जहां कर्सर था मैंने वहीं पे अपना स्कोप ऑन किया, फिर मैं वहां तक अपना स्कोप को लेके गया। तो गाइस यहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपको तो पता ही स्नाइपर फाइट में एक एक सेकंड के लिए आपको कौन नॉक कर देगा, और आप ईजिली उसको नॉक कर सकते हो। बट एक सेकेंड अगर आप पहले उसको शॉट कर दिए होते तो आप उसको नॉक कर सकते थे, बट उसने पहले शॉट लिया तो आप नॉक हो जाओगे। गाइस देखो अगर आप लोग कोई भी आप बंदे को देख के वहाँ पे क्रॉस हेयर ले जाके स्कोप इन करते हो तो देखो कितना ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो जो जहाँ पे हम लोग एम प्रैक्टिस करते हैं, अगर वहाँ पे मैं अपना वहाँ पे मेरे को बंदा दिख रहा है वहाँ पे अगर मैं अपना क्रॉस हेयर ले जाके उस वहाँ पे स्कोप इन करता हूँ तो देखो कितना ज़्यादा चांसेस होता है कि मैं कितना जल्दी उसको शॉट ले लूँगा। हल्का सा ऊपर नीचे करना पड़ता है, वो आपका 0. कुछ सेकेंड आपको लगेगा उतना में आप शॉट ले लोगे फटाक से। तो गाइस यही है, जब भी आप लोग किसी को भी मारो या फिर आप AR यूज़ करो या फिर आप स्नाइपर यूज़ कर रहे हो, पहला चीज़ आपको यही करना है कि आपका क्रॉस हेयर उसको पॉइंट कर रहा हो तब भी आप अपना स्कोप इन करो। तो क्योंकि जब आपका क्रॉस हेयर उसको पॉइंट कर रहा हो, अगर आप अपना स्कोप इन करते हो तो हल्का फुल्का शायद हो सकता है कि वो थोड़ा आगे निकल गया, तो आपको थोड़ा अपना स्कोप को उसके पीछे पीछे तो ऑफकोर्स ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो अपने पीछे अपने आप तो उसके पीछे नहीं लगेगा ना स्कोप। तो गाइस यही है, अगर आप क्रॉस हेयर को अच्छा से समझ जाते हो उसका भी किस तरह चलता है, तो आप बहुत ईजिली स्कोप इन और बहुत फास्ट स्कोप करके आप मार सकते हो। गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मेरे पास एकदम डेमोस्ट्रेशन करने के लिए कुछ वैसा वीडियो है नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी आप लोग किसी चीज़ से भी कवर लो ना तो एकदम उससे जाके पूरा सट मत जाओ, क्योंकि क्या होगा ना जब आप लोग पूरा उससे सट जाते हो तो आपका क्रॉस हेयर आपको आपने देखा होगा एकदम से ब्लॉक हो जाता है। अगर आप अपना पिक करते हो और स्कोप इन करते हो, एकदम सोचो इंटेंस सिचुएशन है, आप स्कोप इन करके पिक कर रहे हो तो आप एकदम से वाल में ही पिक करोगे, तो आप थोड़ा सा कोई भी कवर रहता है ना उससे थोड़ा सा दूर रहो, तो क्या होगा कि आप लोग इजीली वहाँ से स्कोप इन करके आप मार सकते हो। आपने अगर ये चीज़ देखा होगा तो आपने नोटिस करा होगा, नहीं करा तो आप एक बार जाके नोटिस करना। आप लोग एकदम जाके कवर से सट जाते हो तो आप जैसे स्कोप इन करते हो वैसे आप देखते हो कि अरे मेरे आगे तो वॉल आ गया, अब मैं किसको मारूं, तो यहाँ पे बहुत लोग हक देते हैं। तो गाइस क्विक स्कोप में आपका मेन चीज़ यही होता है कि आप क्रॉसर का एकदम अच्छे से ध्यान रखो और कहाँ कहाँ जा रहा है अपना नज़र के साथ अपना क्रॉसर को भी रखोगे, तभी आप अच्छा से क्विक स्कोप या फिर जब भी एकदम इंटेंस आता है आप एक बार में उसको मार पाओगे कोई भी आगे आने वाले बंदे को। तो गाइस आज का वीडियो तो यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से ये वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे पबजी और बहुत सारे गेम्स की वीडियोज़ मैं लेकर आते रहता हूँ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके सामने जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, तो जब भी मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप आके देख भी लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी मजे के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।